फ्रेंड, आज मैं आपको एक स्वेटर डिजाइन सिखाने जा रही हूँ। ये स्वेटर डिजाइन 6 फंदों की डिजाइन है। 6 फंदे 6 फंदे 6 फंदे, मैंने इसमें 20 फंदे डाले हुए हैं। 6 फंदे एंड 6 फंदे प्लस क्या कहते हैं 2 एज स्टिच, 20 फंदे डाले हुए हैं। अब मैं आपको ये सिखाने के लिए फंदे हैं। आप जिस एज के बच्चे के लिए स्वेटर बुनेंगे उस हिसाब से आप फंदे डाल सकते हैं और उसी हिसाब से आप अपने पैटर्न के फंदों को डिवाइड कर सकते हैं। अब मैं ये डिजाइन शुरू कर रही हूँ। हेलो, एक फंदा एज स्टिच निकालने के बाद 2 फंदे उल्टे एंड 2 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे। इस तरीके से हमारे ये 6 फंदों के पैटर्न बन के आएगा। 2 उल्टे 2 सीधे 2 उल्टे। फिर इसी तरीके से फिर रिपीट होगा, 2 उल्टे 2 सीधे। दो पैटर्न बन गए हैं। फिर 2 उल्टे 2 सीधे एंड 2 उल्टे 1 एज स्टिच। ये सीधी सिलाई कंप्लीट हो गई। अब हम बैक सिलाई में आ गए हैं। 1 एज स्टिच निकालने के बाद हमें 2 फंदे उल्टे 2 फंदे सीधे एंड 2 फंदे सीधे 2 फंदे उल्टे 2 फंदे सीधे। इस तरीके से बैक साइड से बिनना है। ये सिक्स फंदों की डिजाइन एक कंप्लीट हो गई है। अब अगली डिजाइन, फिर 2 सीधे 2 उल्टे 2 सीधे, दूसरी भी कंप्लीट। अब तीसरी, 2 सीधे 2 उल्टे 2 सीधे एज स्टिच। अब हमारी तीसरी सिलाई है। तीसरी सिलाई में हमें 1 फंदा निकाल, फिर 2 फंदे की जगह 1 फंदा उल्टा, फिर ट्विस्ट करना है। सीधे फंदे को पीछे लाना है और उल्टे फंदे को आगे ले जाना है इस तरीके से, और आगे की तरह से इस तरीके से बिनना है इस तरीके से, और जो सीधे उल्टा फंदा आगे किया था उसे भी सीधे बिन लेना है। और इस साइड से सीधे फंदे को पीछे और उल्टे फंदे को आगे, और पीछे के बैक साइड से इस तरीके से, और इस उल्टे फंदे को भी हमें सीधे बिन लेना है इस तरीके से। और ये उल्टे, एक उल्टा बचा, फिर वही एक उल्टा इस पैटर्न इस डिजाइन से, धागे पीछे सीधे फंदे आगे और उल्टा फंदा पीछे। और यहाँ से पीछे साइड से उल्टा फंदा आगे और सीधा फंदा पीछे। दूसरी पैटर्न भी कंप्लीट हो गया हमारा। अब हमारा तीसरा, इस तरीके से हमारी तीसरी सिलाई भी कंप्लीट हो गई। अब चौथी सिलाई में बैक साइड से 1 फंदा सीधा 4 फंदे उल्टे 2 3 4, फिर 1 फंदा सीधा, ये 6 सिलाई का है। फिर इस दूसरी पैटर्न का 1 फंदा सीधा 4 फंदे उल्टे,
सीधा चार फंदे उल्टे, दो तीन चार, फिर एक फंदा सीधा। चौथी सिलाई भी हमारी कंप्लीट होगी। अब हम पांचवी सिलाई में आए। पांचवी सिलाई भी हमें कि अगर ये पीछे का फंदा, सीधा फंदा आगे लेना है और उल्टा फंदा पीछे ले जाना है इस तरीके से। और पहले हमें सीधे फंदे को बिनना है और इस तरीके से, और इस टाइप, इस समय सीधे फंदे पीछे, उल्टा फंदा आगे। इस तरीके से फिर इसमें भी ऐसे करना है, सीधा फंदा आगे, उल्टा फंदा पीछे। और फिर उनको जो उल्टा हम बीच में ले जा रहे हैं उसको भी हम सीधे ही बिनेंगे। चौथी सिलाई भी हमारी कंप्लीट हो गई इस तरीके से। अब ये जो सिलाई है, बीच सिलाई, लास्ट सिलाई, इसको हम पूरी सीधे सीधे बिन लेंगे। इसमें ना कोई उल्टा है और ना कोई सीधा, इसको पूरी सिलाई हम उल्टी उल्टी निकाल लेंगे। इस तरीके से पूरी सिलाई उल्टी उल्टी निकल गई। तरीके से हमारा पैटर्न बन के आ गया है कुछ इस तरीके से। 1 2 3 3 पैटर्न बन गए, 6 6 बंद, 6 प्लस 6 प्लस 6, इस तरीके से ये पैटर्न बन के आ गए। 18 फंदों की डिजाइन थी और 2 एडजस्टेड 20 फंदे। और अब इस एक पैटर्न बन के आ गया है, इसके ऊपर हम इसी तरीके से दूसरा पैटर्न बनाएंगे। फ्रेंड, आपको मेरी ये डिजाइन अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू फ्रेंड।